असलम जी आज हम नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ेंगे देखें सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ स्टार जो है वो क्या होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सके उसे स्टार बोलते हैं जैसे हमारा सन तो हम उसे सन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा होम स्टार है हमारा प्लानट उसके गिर्द रिवॉल्व करता है इसलिए हम उसे सन बोलते हैं तो एवरी जो स्टार होगा आसमान के ऊपर वो किसी ना किसी के लिए सन होगा तो अब नेक्स्ट देखें प्लानट किसे कहते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक स्टार के गिर्द नियरली सर्कुलर और ऑर्बिट के अंदर जो है ना वो मूव करता हो तो उसे हम प्लानट का नाम लेते हैं उसके बाद फिर सेटेलाइट क्या होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लानट के गिर्द रिवॉल्व करे नियरली सर्कुलर और ऑर्बिट और उसे हम नाम लेते हैं ये सेटेलाइट है सेटेलाइट दो तरह से आर्टिफिशियल और नेचुरल हमारा अर्थ का जो नेचुरल सेटेलाइट है वो हमारा मून लूनर और आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो हैं वो तो बहुत सारी हैं फाइव थाउजेंड से ज़्यादा है जो जर्थ के रिवॉल्व करती हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर डिफरेंट पर्पज़ के लिए तो हम उसकी मोशन को यहाँ डिस्कस करेंगे लेकिन सैटेलाइट की मोशन जो है अराउंड द अर्थ वो सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन जो है वो हम इसकी एक्सप्लेन करेंगे उसकी स्पीड यानी उसकी जो वेलोसिटी है मूव करने की उस ऑर्बिट के अंदर उसकी बात करेंगे और फिर जो टाइम है उसका एक राउंड कंप्लीट करने का उसकी बात करेंगे बाकी सेटेलाइट के बारे में देखें तो अब देखें वो जब आप रॉकेट की मदद से उन्हें लॉन्च करते हैं ऑर्बिट के अंदर तो रॉकेट उन्हें थ्रो करता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी के ऊपर वो मूव करने लग जाते हैं इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट वो मूव करती हैं तो उनका एक्सोलेशन सिंपली जी होता है क्योंकि वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं ऑलवेज फॉल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ फॉल इसलिए नहीं कर पाती है, हैं टकराती इसलिए नहीं अर्थ के साथ क्योंकि उनके पाथ का कर्वेचर उनके पाथ का क्रवेचर अर्थ के करवेचर से मैच कर जाता है जब आप उतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी से उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में उन्हें थ्रो करते हैं तो उसी वेलोसिटी के साथ वो इन्फाइट टाइम के लिए जो है वो मूव करती रहती है वहाँ कोई अपोजिंग फैक्टर नहीं है स्पेस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज नहीं करता इसलिए वो सैटेलाइट वहाँ पर हमेशा के लिए मूव करती हैं फिर अब सैटेलाइट जो मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन सिंपली जी होता है तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपको डायग्राम में दिखाया गया वो तो एच हाइट के ऊपर दिखाई गई है ऑर्बिट का साइज़ फॉर हम सेंटर ऑफ द अर्थ मयर करते हैं यहाँ तक तो अर्थ की सर्विस तक तो वो रेडियस है अर्थ का उससे आगे फिर हाइट आ जाएगी इन दोनों को ऐड करें तो रेडियस टोटल बन जाएगा ऑर्बिट ऑर्बिट का जो है रेडियस आ जाएगा उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें हम अगर बात करें ऐसी सेटेलाइट जो बिल्कुल नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ हो यानी हाइट बिल्कुल जीरो हो तो हमारा जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर ही होगा तो अब हम बात करते हैं अगर उसका एक्सलेशन सिंपली जी है यानी जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा वो सिंपली जी होगा एक्सलेन जो है वो सिंपली जी होगा सेंटीमीटर है था क्या आपने ड्राइव भी किया था वीस केयर ओवर आर तो यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि मैंने बोला कि हम नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ जो है ना कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ से अगर आप वी निकालें यहाँ देखें यहाँ ए की वैल्यू पुट करें जो जी है जी इज इक्वल टू वीस केवर आर तो वी निकालेंगे तो क्या आएगी जी आर आ जाएगी फिर इसके रूट ले लें ले दोनों तरफ तो इधर जी आर फिर अर्थ के लिए आपको पता है जी की वैल्यू क्या होती है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है आर की वैल्यू अर्थ के लिए सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर सिक्स होती है ये दोनों वैल्यूज लगा दीजिए यहाँ पे जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट आर की वैल्यू सिक्स तो इसको कैलकुलेट कीजिए और स्केयर रूट लीजिए साथ आंसर तो आएगा सेवन पॉइंट नाइन टेन टू पावर थ्री मीटर पर सेकेंड ये बनता है सेवन पॉइंट नाइन किलोमीटर पर सेकेंड तो इतनी वेलोसिटी के साथ अगर आप साइडवाइज वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो करेंगे ऑर्बिट के अंदर तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है ना वो मूव करने लग जाएगी तो ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर पुट करने के लिए उसे हम नाम देते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी और ये नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ बात कर रहे हैं हाइट पे बात नहीं कर रहे हैं. इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं दिस इज दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी Required to put a satellite into the orbit is called critical velocity. ठीक है जी तो अब टाइम पीरियड की बात करते हैं इसकी टाइम पीरियड कहेंगे कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होगा राउंड अराउंड तो उसे जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे सिंपल फार्मूला से जो एसिकल वी टी है वहाँ से निकालेंगे टी हमने निकालना तो हमें एस ओ और वी पुट करना होगा कैपिटल टी से शो कर दें अब पूरा जब चक्कर लगा लेगी अराउंड दार्थ तो कितना कवर करेगी टू पाई आर जो कि सर होता है वी आपने अभी अभी फाइंड भी कर ली तो यहाँ फुट कर दें टू पाई की जगह थ्री पॉइंट वन फोर आर की जगह सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन एस टू पावर फोर और डिवाइडेड बाय सिक्स सॉरी और डिवाइडेड बाय सेवन पॉइंट नाइन इंटू टेन एज टू पावर थ्री इसको सॉल्व करें मल्टीप्लाई डिवाइड करें आंसर आएगा फिफ्टी सिक्सटी सेकेंड तो इसको सिक्सटी से डिवाइड कर दें ऑलमोस्ट एटी फोर मिनट यानी एक राउंड जो है वो अर्थ के अराउंड एक चक्कर 84 मिनट में लगाएगी जब आप उसे इस 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऑर्बिट में थ्रो करेंगे अब यहाँ पर यह बात है कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के या हाइट के यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाइट पे जाएंगे वैल्यू ऑफ जी कम हो जाती है वैल्यू ऑफ जी कम हो जाएगी डेफिनेटली वी क्या हो जाएगा कम जितना बड़ा ऑर्बिट हो जाएगा सेटेलाइट की स्पीड उतना कम हो जाएगी तो जो सबसे क्लोज सेटेलाइट ऑर्बिट कर रही है अराउंड अर्थ वो है जी 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आई एस एस जो ना इसको शॉर्टली लिखा जाता है ये डिफरेंट uh, एक्सपेरिमेंट्स के लिए है, और इंटरनेशनल ये लेवल पे है तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना वो कंट्रीब्यूट करती हैं और हम इससे अर्थ को भी ऑब्जर्व करते हैं अपने प्लानट को भी और इसमें होने वाली जो चेंजेस है उसको भी ऑब्जर्व करते हैं काफ़ी हेल्पफुल है इसके अलावा जो सैटेलाइट्स हैं इसमें बहुत सारी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स हैं जैसे वो थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर के फासले पर हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इतनी हाइट पे हैं वो वो वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए हैं टेली के लिए हैं और वेदर रिपोर्टिंग मिलिट्री यूजेस के लिए लाइव टेलीकास्ट के लिए तो ये सारे काम सेटेलाइट से लिए जाते हैं अब ये तो आपने सिंपली पढ़ लिया कि ये जो सेटेलाइट वो कैसे एक क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ नहीं है जो तो सर्फेस ऑफ दर्थ रिवाल्व करेंगी हाइट पे जाएंगे ऑर्बिट बड़ा करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी वो फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी आगे चल के वो कैलकुलेट करेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो Uh, कल डिस्कस करेंगे रियल एंड पेरेंट वेट वो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है आर्टिविजल सेटेलाइट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है ये फार्मूला ड्राइव करने को कहा जा सकता है मिनिम क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है टाइम पीरियड कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है और ये एम सी क्यूज़ हैं जो आपको मैंने अभी बोले हैं कि क्लोज ऑर्बिटिंग वीटिंग सेटेलाइट जो 400 किलोमीटर के ऊपर है जिसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसके अलावा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए जी पी एस के लिए ट्वेंटी फोर सेटेल करती हैं तो ये बातें याद रखनी है एम सी क्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कल हम इंशाल्लाह रियल रिपेड पर डिस्कस करेंगे हाफिज़